Hello all students, welcome to ACE CAT class. My name is Arpit Soni, your DLR mentor. I hope आपकी preparation अच्छी चल रही होगी और इसी preparation को अच्छा बनाने के लिए we are with a series of 100 most expected DLR sets that you can expect in CAT 24 and even beyond that. ठीक है, आज का सेट होने वाला सर सेट नंबर 69 एंड स्पेसिफिकली बात करूं सर आज का सेट किस पर बेस्ड है. आज का सेट बेस्ड है रूट्स एंड नेटवर्क्स पर बेस्ड. एक बहुत ही प्यारा सा सेट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन टुडेस लेक्चर. तो फुल एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ बैठने वाले अपन, फुल फोकस कॉन्सेंट्रेशन सबके साथ. ठीक है, खास बात सर, जो भी मैं सेट्स डिस्कस करता हूँ सबसे पहले आप उनको कहाँ पर ले सक, मतलब यू कैन एक्सेस देम ऑन व्हाट्सएप. तो ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल. इससे होगा ये कि सेट जो है आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा आप लोगों के पास. तो इससे पीडीएफ फॉर्मेट से रीड करना ईजी है, तो शायद सॉल्व करना भी थोड़ा सा आपके लिए मतलब इजी हो. ठीक है, एक तो स्क्रीनशॉट लेना, एक पीडीएफ होना, दोनों में डिफरेंस अच्छे लेवल का. साथ ही में जितनी भी पुरानी सेट की पीडीएफ्स हैं विद देयर एनोटेशन फाइल्स आपको कहां पर मिलने वाली है, एस कैट ऐप के ऊपर आपको डायरेक्टली मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट. जस्ट लॉग इन करो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां. ठीक है, प्रोसीड करें अपन लोग. चलो सर, आज के सेट के जो 5 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए. अगर आपके पास पीडीएफ नहीं आई है तो, पीडीएफ आ गई है तो बेस्ट है, यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड स्किप. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, मैं ऐसा मान के चलता हूं. एंड दिस इज द सेट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई बाय योरसेल्फ फर्स्ट, गिव एप्रोप्रिएट टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सेट दिखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का सेट है. एग्जाम में हम इस तरह के सेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस सेट इन आवर सीरीज ऑफ 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड डीएलआर सेट्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू डिकोड व्हाट द सेट इज ट्राइंग टू से. डीएमआरसी रन्स मेट्रो ट्रेन्स बिटवीन एवरी टू स्टेशंस अमंग द 4 स्टेशंस ए बी सी डी. सर 4 स्टेशंस है और हर एक स्टेशन मतलब किसी के भी, हर एक के दो दो पेयर बन जाएंगे, हर एक के दो दो पेयर बन, मतलब तीन तीन पेयर बन जाएंगे, मतलब 2 स्टेशंस का एक पेयर बन जाएगा कुल मिलाकर. 2 स्टेशंस का एक पेयर बनेगा, तो बिटवीन एवरी 2 स्टेशंस, तो हर एक का हर एक के साथ रिलेशन होगा. दीस ट्रेन्स कैन हैव 4, 6 और 8 कोचेस. दस में 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 कोचेस हो सकती है. एंड द फेयर बिटवीन एनी 2 स्टेशन इज 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज और 50 रुपीज. मतलब सर फेयर का जो चार्जेस हैं किसी भी 2 स्टेशन के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी 20, 30, 40 और 50. इनमें से कोई भी एक हो सकता है एक पर्टिकुलर रूट के लिए. ऑल द ट्रेन्स बिटवीन एनी पर्टिकुलर पेयर ऑफ स्टेशंस हैव सेम नंबर ऑफ कोचेस. अच्छा सर, सेम रूट है तो सेम नंबर ऑफ कोचेस होने वाले हैं एंड ऑल्सो सेम फेयर. मतलब अगर आप ए से बी ट्रेवल कर रहे हो तो ये जो पूरा रूट है, ये जो पूरा नेटवर्क डायग्राम है, इसमें क्या है, दोनों में यहां से ट्रेवल करोगे तो सेम नंबर ऑफ कोचेस रहने वाले पूरे रूट के ऊपर एंड सेम चार्जेस. ठीक है, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन. फ्रॉम बोथ द स्टेशन ए एज वेल एज डी ट्रेन्स हैविंग 4, 6, 8 कोचेस रन, whereas from B station trains having only 4 coaches run. अब सर इस information को read करने से पहले my mind is trying to build or design some diagrams. Diagrams क्यों सर? क्योंकि इतना समझ में आ चुका है कि सर without diagrams we are not able to solve this particular problem. अपन को समझना पड़ेगा डायग्राम क्या है. मुझे बताओ सर, 4 स्टेशन है मेरे सामने, चारों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मुझे क्या पता लगाना है? जो कनेक्शन है वो तो ठीक है लेकिन किस कनेक्शन पे कितने कोचेज हैं और वहां का चार्जेस कितना है, ये है. और इसी को लेकर मेरे सामने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. अगर मैं क्वेश्चंस पे थोड़ी सी नजर घुमाऊं, इफ द फेयर फ्रॉम ए टू सी इज 30 रुपीज, ठीक है, व्हाट कैन बी द लीस्ट पॉसिबल फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फेयर, इफ ऐसा कुछ. सो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने है आपको पता लगेगा कि सर ऑल आर कंडीशनल क्वेश्चन. तो मतलब सर सेट में पॉसिबिलिटीज है क्या? सेट में अच्छे लेवल की पॉसिबिलिटीज है. लेट्स ट्राई टू डिकोड कि वो पॉसिबिलिटीज अपन कैसे डिकोड करने वाले हैं. ठीक है, चलो बात करते हैं सेट के बारे में. सर मेरे पास कितनी सिटीज हैं, कितनी सिटीज है उसकी इंफॉर्मेशन लिखने वाला हूं मैं. सर ए बी सी डी, ये 4 सिटीज है. इनके बीच में सर क्या है, जैसे ए बी से भी कनेक्टेड होगा, ए डी से भी कनेक्टेड होगा,
सी से भी कनेक्टेड होगा क्योंकि एवरी टू स्टेशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। वैसे बी ए के साथ कनेक्टेड है तो बी अब सी के साथ कनेक्ट होगा और बी अब रिमेनिंग डी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली डी दोनों के साथ तो कनेक्ट है तो सी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। तो सर मेरे पास पॉसिबल रूट्स कितना है? टोटल 6 पॉसिबल रूट्स है मेरे साथ में। 1 2 3 4 5 6 6 रूट्स मेरे सामने बैठे हैं। 6 रूट्स मेरे सामने बैठे हैं सर। इतनी पॉइंट क्लियर है क्या? ये आइडिया सभी को लग चुका है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर, ये वाला आइडिया तो लग चुका है। ऐसा ही कुछ डायग्राम दिखेगा। अब मुझे क्या पता लगाना है सर ये रूट पे कोचेस कितने हैं? क्योंकि देखो ए से जो ट्रेन जाएगी और जो बी से जाएगी, ऐसा मानो कि ट्रेन एक ही है, ये पूरा रूट एक ही है। इस पूरे रूट पे ट्रेन कहां से आ रही कहां से जा रही ये महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कोचेस कितने हैं और चार्जेस कितने हैं, ठीक है? इसको लेकर बात करी जाएगी सर, बाकी चीजों को अवॉइड किया जाएगा सर। तो बोथ द स्टेशन ए एंड डी ट्रेन्स हैविंग 468 कोचेस रन फ्रॉम बोथ द स्टेशन ए और डी। यहां से क्या तीनों तरह की कोचेस चलती है? मुझे बताओ किसी भी सिटी से, जैसे ए से कितने रूट जा रहे हैं? 1 2 3। तो सर तीनों पे डिफरेंट को होना पड़ेगा 4 6 8। तो किसी रूट पे अगर 4 हो गई तो क्या 4 रिपीट हो सकती है? नहीं। तो सर यहाँ पे 4 6 और 8 पक्का पक्का आएगा ए के ऊपर। क्या बोल रहा हूँ मैं? ए के ऊपर एक जगह 4 आएगा इन तीनों में से, एक जगह 6 आएगा, एक जगह 8 आएगा। लेकिन ऐसा सोचो, अगर जैसे अगर यहाँ पे 6 आ जाता है, यहाँ पे 6 कोचेस आते हैं, तो ये ए के अंदर भी काउंट होते हैं और बी के अंदर भी काउंट होते हैं। इस बात को समझना, क्योंकि बी भी तो ए के साथ कनेक्टेड है ना। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन। सेम अप्लाइज टू डी। तो डी पे भी क्या होगा? 4 6 8। अब इन दोनों का एक कॉमन होगा जो यहां पे आ जाएगा, तो वो इसमें भी काउंट होगा, इसमें भी काउंट होगा। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। और वेयर एज फ्रॉम बी स्टेशन ट्रेन्स हैविंग ओनली 4 कोचेस रन, मतलब बी से सिर्फ 4 वाली ही रन होती है, तो बी से, तो बी जिस जिस के साथ कनेक्टेड है वहां पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे कोच क्या आया? 4। यहाँ पे कोच क्या आया? 4। यहाँ पे कोच क्या आया? 4 आया। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या ए का अब 4 आ सकता है? नहीं सर। इन दोनों में से क्या आएगा? 6 या 8 आएगा। सिमिलरली डी के पास 4 आ चुका है ना, ये वाला 4, तो इन दोनों में क्या आएगा? 6 या 8 आएगा। इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूं क्या? मैं कह सकता हूं क्या? दिस 4 इज डन, दिस 4 इज डन, ओनली 6 एंड 8 आर रिमेनिंग, ओनली 6 एंड 8 आर रिमेनिंग। यस सर, यू आर राइट सर। यहां तक पॉइंट क्लियर है सर? कुछ नई बात पता लगेगी तो और अपन अच्छे से जान पाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? पॉइंट क्लियर है यहां तक आप लोगों को भी? समझना अच्छे से, वी आर ट्राइंग टू डिकोड व्हाट द दैट इज ट्राइंग टू से, ठीक है? फिर देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका। ट्रेन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू ऑल अदर स्टेशंस हैव डिफरेंट फेयर्स। ए से जितनी भी ट्रेन्स जा रही है या ए के पास जितनी भी आ रही है, क्या है? ऑल डिफरेंट फेयर्स है, मतलब डिफरेंट फेयर्स लिख देता हूं मैं, डिफरेंट फेयर्स। तो पैसे तीनों जगह के अलग अलग हैं, जैसे 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, कहीं पर रिपीट नहीं होगा। मेरे पास फेयर्स के चांसेस क्या है? 20 30 40 50। ये चार वेराइटी मेरे पास है, इन चारों में से कोई ना कोई हर एक रूट पे एक एक आएगा। क्लैरिटी है सर? और कुछ नया बताओ सर। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर स्टेशन सी एंड डी। तो सी पे भी क्या है? डिफरेंट फेयर्स है। डी पे भी डिफरेंट है और सी पे भी डिफरेंट है। मैं यहां लिख चुका हूं। अब कई बार कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर इन्होंने डी मेंशन किया, बी को मेंशन नहीं किया है, बी को मेंशन नहीं किया है, तो क्या बी के डिफरेंट नहीं है? ये मुझे नहीं पता, डिफरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए अपन को, ठीक है? चलो, नो टू रूट्स विद ट्रेन्स हैविंग 6 कोचेस हैव सेम फेयर्स। मतलब सर अगर कोई दो रूट्स हैं ऐसे जिसमें 6 6 कोचेस ही है, तो दोनों का फेयर डिफरेंट होगा। सिमिलरली नो टू रूट्स विद ट्रेन्स हैविंग 8 कोचेस, किसी पर अगर 8 कोचेस है, हैव सेम फेयर्स, कि उन पे भी सेम फेयर्स नहीं हो सकते। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 6 रूट है, क्या 6 कोच है, 6 कोच है, इस पे क्या है? डिफरेंट फेयर्स है, डिफरेंट फेयर्स है। एंड सिमिलरली 8 कोचेस पे भी क्या है? डिफरेंट फेयर्स। अगर कोई दो रूट है जिसपे 6 6 है दोनों पे कोचेस, तो फेयर दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब आपको भी पता है कि 6 के आने के चांसेस कहाँ पे हैं? इन दोनों जगह या इन दोनों जगह देखते हैं, अभी थोड़ी सी आगे बात करेंगे अपन, ठीक है? चलो रुको, इसके पहले अपन यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आओ इधर मुझे बताओ, एक बार बात देख लेते हैं, ठीक है? एक बार अच्छे से देखना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पॉसिबिलिटी को समझना, ठीक है? पॉसिबिलिटी को समझना और कुछ नहीं सर। या तो फिर यहाँ पे 6 आएगा, या तो फिर यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे या तो फिर 6 आएगा या तो फिर 8 आएगा। अगर यहाँ पे 6 आता है
तो ए और डी का सिक्स खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे भी एट आएगा और यहाँ पर भी एट आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको? अगर यहाँ पे सिक्स आता है तो इन दोनों जगह क्या आएगा? एट आएगा। और बाई चांस अगर सर यहाँ पे एट आता है तो यहाँ पे इन दोनों जगह क्या आएगा? सिक्स आएगा। क्या पॉइंट आया क्या समझ में आप लोगों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, अगर यहाँ पे सिक्स आता है तो इन दोनों जगह एट को आना पड़ेगा, क्योंकि फोर सिक्स एट, तो फोर सिक्स और एट बचा। सिमिलरली इसके पास भी अगर सिक्स यहाँ पे आ गया, फोर ये आ रहा है तो एट यहाँ पे आएगा, और अगर यहाँ पे एट आता है तो सिक्स और सिक्स। मतलब सर देखा जाए अगर सिक्स यहाँ पे है तो इन दोनों का जो होगा इसका प्राइसिंग और इसका प्राइसिंग डिफरेंट होगा, और बाई चांस अगर इसका, बाई चांस अगर यहाँ पे एट होता है तो इसका इसका, तो कुल मिला के देखा जाए सर एसी इज नॉट इक्वल टू डीसी। मतलब देखो अगर यहां पे सिक्स आया तो एट और एट, तो इन दोनों जगह डिफरेंट आना चाहिए फेयर, एसी और डीसी में डिफरेंट आना चाहिए फेयर। वैसे अगर यहां पे एट आता तो यहां पे सिक्स और सिक्स आ जाएगा, तो एसी और डीसी का फेयर क्या इक्वल आएगा क्या सर? नहीं आएगा। इसको अपन सीए और सीडी भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि मेरा डायग्राम थोड़ा सा क्लटर्ड ना दिखे, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे, ठीक है? पॉइंट क्लियर आप लोगों को? आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, ठीक है? आई गेस मेरा पॉइंट क्लियर होगा कि सर इस रूट का और इस रूट का फेयर क्या होने वाला है? डिफरेंट होने वाला है। इसी चीज को बोलते हैं कि अपन लॉजिकली इस पूरे सेट को डिकोड कर रहे हैं। टोटल फेयर फॉर थ्री डिफरेंट रूट्स फ्रॉम सी एंड बी आर 90 एंड 100 रुपीज रेस्पेक्टिवली भी लिखा है, तो सी से कितने रुपए बन रहे हैं? 90 रुपीज, और बी से कितने बन रहे हैं? 100 रुपए। 90 और तीनों डिफरेंट होने चाहिए, तीनों डिफरेंट होने चाहिए मतलब 20 प्लस 30 प्लस 40, अगर तीनों डिफरेंट सी है और ऑप्शंस मेरे पास इन्हीं की हैं तो पक्का पक्का सर 90 तो इन तीनों से बनता है, 20 30 40 से। तो एक रूट 20 का है, एक रूट 30 का है, एक रूट 40 का है, तो सर मेरे को ऑटोमेटिकली पता चल चुका है। देखो सी डी सी ए और बी सी, तो मुझे पहले से ही पता है कि सर सी से जितने भी रूट जाते हैं वो तो इक्वल आएंगे ही नहीं, तो ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट लिखा इसका कोई यूज नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैंने क्यों लिखा है? ताकि आपको एक सोचने का तरीका मिले कि बाई चांस कभी कभी ऐसा ना हो तो उसको अपन डिड्यूस कैसे करते हैं। इन दिस केस सी से जितने भी रूट जा रहे हैं वो डिफरेंट है, तो वैसे ये वाला रूट डिफरेंट ही होने वाला था, लेकिन मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग इसमें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ही है, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है सर? ये और ये अलग होना चाहिए, डेफिनेटली सी के सारे अफेयर्स डिफरेंट है, सिंपल सा गेम है, ठीक है? चलो सर, तो पॉइंट क्लियर हुआ। एक जगह 20, एक जगह 30, एक जगह 40 आएगा। 100, 100 कैसे बनता है सर? 100 कैसे बनता है? 100 जानना चाहता हूं मैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से ताकि आपको पॉसिबिलिटी समझा पाऊं, ठीक है? यहां पे इसको भी इरेज कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। 100 सर दो तरीके से बनता है, एक तो सर 50 प्लस 20 प्लस 30, तो एक जगह 50 20 30 हो सकता है, या एक जगह क्या हो सकता है 40 प्लस 40 प्लस 20, 40 40 20 ये भी हो सकता है। तो सर इनका कुछ एक एक पार्ट कॉमन है, इनका एक पार्ट क्या कॉमन है? अगर इसमें से लोगे तो पार्ट कॉमन क्या आएगा? 20 आएगा, क्योंकि इसके पास 20 30 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, और इसमें कॉमन लोगे तो 20 40 दोनों मेरे पास। तो देखते हैं, ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए हैं, ठीक है? द फेयर फ्रॉम बी टू डी, बी टू डी जो है क्या लिखा हुआ है? तो बी से डी जा रहा है ये वाला जो फेयर है इसका क्या है सर? इज मोर देन ए टू डी, ए टू बी लिखा हुआ है, ए टू बी, तो ए से बी जो है इससे ज्यादा किसका है? बी से डी का ज्यादा है। ये मेरे सामने कुछ पॉइंट आया है, मतलब बी डी जो है, मतलब ये बी डी जो है इज ग्रेटर देन ए बी, तो मतलब बी के पास तीन ऑप्शन है, जैसे ये अब, तो ये वाला जो है ये इस वाले से ज्यादा आएगा, इस वाले से ज्यादा आएगा, ठीक है? अब यहां तक तो सर मेरा केस हो चुका है समाप्त, यहां तक तो मेरा केस हो चुका है समाप्त। अब अपन क्या करने वाले हैं सर? अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करने, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन देखते हैं सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इफ द फेयर फ्रॉम आनंद टू चंदन इज 30, देन व्हाट इज द फेयर फ्रॉम चंदन टू द्वारिका, ठीक है? तो ए से सी कितना है? 30 रुपीज है। ए से सी कितना है? 30 रुपीज है। ये कितना है? 30 रुपीज है। कितना ही है? 30 रुपीज है, ठीक है सर? तो मतलब ये सी का 30 रुपीज हो गया ना। अब यहाँ पे क्या आएगा? या तो 20 या 40, यहाँ पे भी 20 या 40 आएगा,
ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, मुझे किसका पूछा है, सी से डी का पूछा है, मुझे सी से डी का पूछा है कि क्या आएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या फिर 20 या 40। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 40 आ जाएगा, क्योंकि 20 30 40 या 20 30 40। तो अपन दोनों को अप्लाई करके देख लेते क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है। अगर 20 यहाँ पे आया तो इसके दो नंबर्स कौन से बचेंगे, 40 और 40 तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जो रूट है इससे बड़ा आएगा, तो 20 के साथ 40 और 40 हो नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जो है BD is going to be greater than AB, तो 40 40 नहीं होंगे, बचे कौन से 50 और 30 ही बचे ना। तो सर सिंपल सी बात है, 30 यहां पर आ जाएगा, 50 यहां पर आ जाएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 30 यहां पर आ जाएगा, 50 यहां पर आ जाएगा। लेकिन सर एक के सारे फेयर्स डिफरेंट होने चाहिए, 30 इसके पास ऑलरेडी आ चुका है, क्या 30 एक बार और आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या 20 यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। जो मैंने पॉसिबिलिटी कंसिडर करी है क्या वो सही है, नहीं है सर। आपने जो पॉसिबिलिटी कंसिडर करी है वो डेफिनेटली गलत है सर। ठीक है, तो क्या करना है सर, 20 यहाँ पे लिखता हूँ और 40 यहाँ पे लिखता हूँ। अगर 20 यहाँ लिखा है 40 यहाँ लिखा है, ठीक है, तो सी का तो पूरा हो गया। अब बी के पास क्या बचा, एक 40 आया हुआ है, मतलब 40 और 20 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, क्योंकि ये आना चाहिए ग्रेटर। दिस इज वर्किंग फॉर मी, इट मींस जब ए से सी 30 है तो डी से सी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? What can be the least possible fare from A to D if one goes via Chandni? A से D जाना लेकिन via Chandni, मतलब मुझे क्या निकालना है, A to C और फिर C से D, ये total fare निकालना है। मतलब A से C आना है, C से D जाना है, A से C आना है, C से D जाना है। अब आप खुद ही सोचो इसका minimum क्या आएगा, इसका minimum 50 ही आएगा, क्योंकि सर ये 30 plus 20, इसको आप reduce क्या करोगे, आपके पास numbers ये है और कोई नंबर रिपीट होगा नहीं, क्योंकि सी के ऊपर कोई नंबर रिपीट होगा नहीं। सी के पास तीन ऑप्शन है, मुझे सी को ए को भी कनेक्ट करना है, सी से डी को भी कनेक्ट करना है। मैं चाहूंगा कि मिनिमम से मिनिमम कनेक्ट हो, तो एक तो 20 और एक 30 कनेक्ट करूंगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन है, तो बोनस पॉकेट के नंबर मिले थे यहां पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फेयर ऑफ 8 कोच ट्रेन, 8 कोच ट्रेन का फेयर क्या नहीं हो सकता है। देखो आपको पता है कि ये वाली 8 कोच ट्रेन हो सकती है क्या, ये वाली अभी अपन ने देखा था सर, दिस कैन बी 8, तो 8 में 30 तो आ सकता है, तो 8 में 30 तो आ सकता है, कैन नॉट, नो 30 तो आ ही सकता है, तो उसको तो कैंसिल कर दो सर। दिस कैन आल्सो बी 8 कोच ट्रेन, पॉसिबल तो है ना, ये वाली भी 8 कोच ट्रेन तो बनी सकती है, ये वाली भी 8 कोच ट्रेन तो बनी सकती है। तो सर इसका फेयर कितना हो सकता है, 20 हो सकता है, तो सर 20 इज ऑल्सो पॉसिबल। अब मुझे 40 को चेक करना है कि 40 8 कोच वाले में पॉसिबल है या नहीं है, 40 8 कोच में पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, मुझे बस इसको चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन निपटे हैं, लेकिन देखते हैं कि देखो 40 यहां पर तो पॉसिबल नहीं है, एक काम करेगा 40 को यहां पर लिख दूं क्या, अगर ये भी तो 8 कोच पॉसिबल है ना, ये भी तो 8 कोच पॉसिबल है, अगर मैं 40 को यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं ना, कोशिश कर रहा हूं मैं लिखने की, तो सर मैं क्या कर सकता हूं, सर मैं यहां कितना लिखूं, यहां 20 लिखूं या 30 लिखूं। मान लेते कि मैं यहां पे 20 लिख देता हूं और यहां पे 30 लिख देता हूं, ठीक है, अब 30 लिया है तो बचे क्या, 50 और 20 बचे हुए, तो सर यहां पे 50 आएगा और यहां पे 20 आएगा, ये भी मुझे पता है, यहां पे 50 आएगा, यहां पे 20 आएगा, ये भी मुझे आइडिया है सर। अब सर ये ए और डी में क्या आएगा, देखो ए के पास 20 और 40 तो आ चुका है, तो यहाँ पे या तो फिर 30 आएगा या 50 आएगा ए के अकॉर्डिंग, और डी के पास 20 और 50 आ चुका है, मतलब 50 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो देखो ए से डी, ए से सी जो है, इट कैन बी वन ऑफ दी, कभी कभी पॉसिबल तो है ना कि ए से सी भी 8 कोच बन सकता है, तो 40 इज ऑल्सो पॉसिबल, तो 40 मेरे सामने पॉसिबल आ रहा है, इट मीन्स 40 भी पॉसिबल है, तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द कैन नॉट पूछा है, तो सर ये अब जो तीन ऑप्शंस थे ये तो पॉसिबल है, दैट्स व्हाई माय आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ दीस। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? आई नो सेट इज लिटिल बिट हैवी, लेकिन सेट को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इफ अ फेयर ऑफ 4 कोचेस ट्रेन इज मोर देन द फेयर ऑफ ऑल 6 और 8 कोच ट्रेन्स,
then what is the least possible value for total fare of all 6 or 8 coach trains taken together? मतलब ये क्या कह रहा है, फोर वाली जो है, जितनी भी फोर वाली है, तो मुझे पता है कि फोर कोच वाले का क्या है, फोर कोच वाले का क्या है, 100 है फेयर। देखो अपन को पता ना बी से तो है सारे फोर वाले, बाकी तो फोर वाले कोई है ही नहीं, बाकी कोई फोर वाला है ही नहीं, तो 100 रुपए। तो क्या बोला है, इज मोर देन 6 और 8 को मिलाकर भी। तो 6 और 8 वाले कौन है, 6 और 8 वाले कौन है सर, सर ये 6 और 8 वाले कौन है, ये पिंक कलर से डिनोट कर रहा हूं, अच्छे से देखना सर, ये 6 और 8 हो सकता है, ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है, ये तीनों बचे हुए हैं, ये 6 और 8 वाले। तो क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर टोटल फेयर ऑफ 6 to 8 वाला, 6 to 8 के लिए लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू सर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर अभी कितनी आ रही है, 20 + 30 + 40 = 90 आ रही है सर। तो अभी तो मेरे सामने लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही है, 90। ऑप्शन में है क्या सर, 140, 100, 90 तो है सर, 90 तो है, लेकिन नन ऑफ दीज भी है। क्या इसको अपन 90 से ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं क्या, क्या इसको अपन 90 से ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं क्या? सर एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे 20 है तो इसको मैं 30 बना देता हूँ, अगर इसको मैं 30 बनाऊंगा तो ये 40 बन जाएगा, और 40 से वापस काम बिगड़ सकता है शायद अपना। एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं ना, अभी लिस्ट कितना आ रहा है, 90 यार, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डायग्राम बन गए हैं इसे, अब ये कोइंसिडेंटली मुझसे बन चुके हैं, बाकी मुझे निकालने पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर अपन कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने की कोशिश, ये क्या हो रहा है, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ सर, इसको 20 कंसिडर कर लेता हूँ, तो 30, तो ये 40 है, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हेलो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, हाँ सर 40 हो जाएगा, इसको भी रेस करने दो, ठीक है 40 हो जाएगा। तो देखो 40 40 20 कितना होता है, 100 होता है, इसके पास 20 30 40 तीनों हो चुके हैं। अब देखो ए के पास 20 और 30 हो चुका है, तो 40 या 50 ही ऑप्शन बचा हुआ है, और डी के पास 20 और 40 हो चुका है, तो सिर्फ 50 ही ऑप्शन बचा, तो यहाँ पे 50 आएगा, तो 20 30 50 कितना होता है, 100 होता है सर। तो मतलब सर, नहीं नहीं सर, अभी तो मेरा आंसर 100 आ रहा है, तो इसका मतलब सर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस दिस, मैं 90 से इसको नीचे नहीं ले जा सकता सर, मैं कोशिश करके देख सकता हूँ लेकिन 90 से रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि वापस बात 90 तक आई जाएगी सर। तो इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 90। ये थोड़ा सा स्मार्ट गेस हो सकता है कि सर अपन कितना पहले क्वेश्चन अपन अच्छे करें, उससे अपन और टैकल कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है सर हमारे सामने, लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक काम करता हूँ तुम्हें ये लास्ट वाला क्वेश्चन असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, हाँ बताओगे मुझे तुम आंसर, मुझे चैट बॉक्स में बताओगे तुम आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल फेयर्स फ्रॉम बी टू सी, तो बी से सी पता तुमको, बी से सी, तो तुमको पता है कि सी के पास 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 20 30 40, तो कोशिश करना यहाँ पे 20 भी रख सको, 30 भी रख सको, 40 भी रख सको, तो यहाँ पे जितनी पॉसिबल है, तो यहाँ पे 20 रखना, एक बार 30 रखना और एक बार 40 रखना। अगर तुम्हारा डायग्राम पूरा सिस्टमेटिक सेट हो रहा है, इसका मतलब वो वाली वैल्यू पॉसिबल है, तो तुम तीनों के लिए चेक करोगे और जो जो पॉसिबल होगी उन सबका सम मुझे कहाँ बताओगे, चैटर बॉक्स में बताओगे। क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फेयर्स, तो अब अगर तुम्हें ये समझ में आया है केस, तुम्हें अगर ये पूरा गेम समझ में आया है, तो तुम चैट बॉक्स में क्या बताने वाले हो, आंसर बताने वाले हो, और उस आंसर को चेक कौन करने वाला है, मैं चेक करने वाला हूं। क्या बात, तो तुमको असाइनमेंट दे रहा हूं, इस असाइनमेंट को आप लोग सीरियसली करने वाले, ठीक है। तो सी के पास कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 20 30 40, एक बार 20 रख के देखो, एक बार 30 रख के देखो, एक बार 40 रख के देखो, जैसे 40 तो पॉसिबल दिख ही रहा है मुझे इस केस में, दिस इज द पॉसिबल दिख ही रहा है पक्का पक्का, ऐसे 20 और 30 को भी रखना है। अब ये है कि तुम्हारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा कि सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो सर अपन यहाँ पे 20 रख ही नहीं पा रहे थे, यहाँ पे 40 रख नहीं पा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 30 फिक्स था, मेरे पास कुछ फिक्स नहीं, वो सिर्फ उसी क्वेश्चन की बात थी। तो यहाँ पे कंप्लीट तुम्हारे पास फ्री विल है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बी से सी की मतलब अपन को कंडीशंस को फुलफिल करना है। कंडीशंस क्या है सर, मेन कंडीशंस ये है कि डिफरेंट फेयर्स होने चाहिए तीनों के, और ये वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, बाकी चीजें तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये तुम आंसर मुझे कहाँ बताओगे, चैट बॉक्स में, ठीक है। तो देखते हैं, देखो तैयारी दोनों साइड से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोगों में कितना दम और बाकी है। आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ स्मॉल टेस्ट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली गॉट टू लर्न समथिंग न्यू टूडे, आपको एक नई वैरायटी मिली होगी ट्राई करने को। देखो एलआर के अंदर न्यू या इनोवेटिव सेट्स को ट्राई करना ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस करेगा।
That's why I'm bringing more new sets. और साथ ही में मैं कुछ और भी अच्छे सेट्स लेने वाला हूँ. अभी 69 हुए ना, 31 और बाकी है. तुम बस साथ में जुड़े रहना, हर एक टारगेट को हिट करते हुए अपन आगे निकलेंगे. ठीक है? तो कमेंट डाउन योर स्कोर इफ यू ट्राइड दिस सेट. और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जरूरी, ठीक है, सभी लोगों को देना है. ये मत सोचना कि सर आई डोंट वॉन्ट टू रिवील माई आइडेंटिटी. भाई क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा आंसर सही है तो क्या तुम्हें कोई गलत मानेगा क्या? तुम्हारी तो आइडेंटिटी सही बनेगी. सिंपल सा गेम है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेट के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.